वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज हम देखेंगे घर पे हंडवा का आटा कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हंडवे का आटा घर पे कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। इसमें लगने वाली सामग्री, तो मैंने एक ही कटोरी से सभी का नाप लिया है, तो मैंने इस कटोरी से सभी की नाप लिया है। और ये मैंने 4 कटोरी चावल लिया है। चावल मैंने ये मोटे वाले लिए हैं, मतलब जो मैं खिचड़ी में यूज़ करती हूँ वो लिया है। और आप इसकी जगह जो कनकी आती है, मतलब इसके छोटे दाने वाले टुकड़े वाले चावल, वो भी ले सकते हो, क्योंकि हमें ये पिसवाना ही है। और आधी कटोरी मैंने तुअर की दाल ली है, और आधी कटोरी मैंने चने की दाल ली है, और 2 टेबलस्पून मैंने उड़द की दाल ली है। अभी इन सब चीज़ों को हमें इकट्ठा करके फिर चक्की में इसे दरदरा पीसवाना है हमें। और आपके घर अगर चक्की हो तो आप घर पे भी ये दरदरा पीस सकते हो। तो मैंने ये चक्की में पीसवा लिया है और ये इस तरह से तैयार हो गया है। आप देख सकते हो इस तरह से दरदरा रहता है ये। और आप इस आटे से हांडवा और ये जो येलो ढोकला बनाते हैं गुजराती लोग, वो भी आप बना सकते हो। और आप इसे घर पे पिसवाने के बाद एयरटाइट डब्बे में 1-1.5 महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। तो तैयार है हमारा हांडवे का आटा, और ये घर पे बनाने से हमें सस्ता भी पड़ता है और हाइजीनिक भी रहता है। और आपका जब मन करे तो आप इसे घर पे हो तो जब चाहे तब यूज़ कर सकते हो। तो तैयार है हमारा हांडवे का आटा।